नमस्कार, मेरी खेती मेरी फसल पर स्वागत है आपका। आज हम खड़े हैं अपने खेत में और ये वैरायटी हमारी SD 2967 हमने हरिहर की लगाई है। सभी कंपनियां अलग अलग लगा रिलीज करती हैं। हरिहर एक अच्छी कंपनी है जो अच्छी वैरायटी बनाता है। 2967 आज ये फसल हो गई 130 दिन की, एक तैयार है, हल्का सा सुनहरा रंग आने लगा है। यह है 2.5 एकड़ खेत, 2.5 एकड़ में ये हमने लगाया 2967। 2967 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये वैरायटी IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई 2011 में। ये एक अच्छी वैरायटी है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इसे विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसका गेहूं खाने में स्वादिष्ट, रोटी अच्छी बनती है। पकने का समय करीब 150 दिन बताया जाता है, 130 दिन हो गया, 10 दिन कभी और लेगी तो 40 पे थे। ये गेहूं के खेत के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा ये काफ़ी अच्छी दोमट मिट्टी है, यदि आपकी हल्की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी पक सकती है, या पानी के देने पर भी डिपेंड करता है। किसान भाई जब आखिरी पानी दें तो ये ध्यान रखें, जैसे हमारी ये दिख रही है आपको, ये कहीं गिरा नहीं है, तो पानी दें तो ध्यान रखे दें कि जब हवा ना हो तब पानी दें, यदि हवा चल रही हो तो रात्रि में पानी दें। आखिरी पानी पर यदि फसल गिर जाती है तो 20-25% तक आपका नुकसान हो सकता है। इस वैरायटी की ऊंचाई की बात करें तो 101 सेंटीमीटर यानी करीब 1 मीटर तक ऊंची हो सकती है। पैदावार 22 से 25 क्विंटल बताया जाता है। हमारा कितना होगा प्रोडक्शन, ये हम आपको क्यूमुलेटेड प्रोडक्शन जब थ्रेसिंग करेंगे तब दिखाएंगे और बताएंगे आपको। इस वैरायटी को आप समय से लगा सकते हैं और थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं। समय से मतलब 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, 20 नवंबर तक और थोड़ा उसके बाद लगा सकते हैं, 25 नवंबर तक भी वैरायटी को लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छी वैरायटी है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट बीमारी में सहनशील है। 50 किलो प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है इसके लिए, हमने इसको करीब 45 किलो डाला है इस हरियर का। आप सीड को ट्रीट करके जरूर डालें और 4 से 5 और यदि हल्की मिट्टी हो तो 6 पानी पर्याप्त होते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप Instagram पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।